स्वागत है आपका क्रिएटिव बिना यूट्यूब चैनल में। और आज हमने बनाया एक 12 वोल्ट वाटर पंप, और ये काफ़ी पावरफुल वाटर पंप है और ये 3 से 12 वोल्ट तक की पावर सप्लाई पर चलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले हम एक पीवीसी पाइप का टुकड़ा लेंगे। ये हमारे घरों में लाइट फिटिंग के लिए यूज़ होता है। इसकी साइज़ इतनी क्यों ली गई है ये आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा, आप इसे अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। इसे हम मार्क करके कुछ इस टाइप से कट कर लेंगे। आप इसे और भी ज़्यादा कट कर सकते हैं, बस ऊपर और नीचे के हिस्से को कट नहीं करना है और बीच में सपोर्ट लायक इसे रखना है। अब हम पीवीसी प्लास्टिक की शीट का एक गोल टुकड़ा कट कर लेंगे जो इस पाइप में फिट हो सके। इस टुकड़े को हम इस साइड पर लगाएंगे और इसी साइड पर हमारा फैन होगा, और इसमें हमें इतनी जगह रखनी है कि हमारा फैन का प्रोपेलर इसमें आसानी से रन कर सके। इसको पाइप में फिक्स करने के बाद हम इसे फेविक्विक से चिपका देंगे। हम एक पुरानी मोटर लेंगे जिसकी शाफ्ट और उसमें लगे वॉशर का यूज हम अपने पंप में करेंगे। इस वॉशर का यूज हम अपने वाटर पंप में लीक हो सकने वाले पानी को रोकने के लिए करेंगे। इस वॉशर को हम इस तरीके से यहाँ पर फैब्रिक से चिपका लेंगे। इसके बाद हम एक और प्लास्टिक का गोल टुकड़ा लेंगे जिसको हम 600 में बांटकर इस पर मार्क कर लेंगे। ये हमारे वाटर पंप में प्रोपेलर का काम करेगा। प्रोपेलर बनाने के लिए हम इसी प्लास्टिक पाइप के टुकड़े को लेंगे। और इसे कुछ इस तरीके से कट कर लेंगे। ये प्रोपेलर फैन में फिक्स रहना चाहिए, अगर इसके चारों ओर जगह छूटी तो पानी का प्रेशर कम हो जाएगा और वाटर पंप की इफिशियंसी घट जाएगी। इस फैन को हमने जिस तरीके से बनाया है वैसे में इसे एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए। इसकी राइट साइड में हम ऊपर की ओर एक आउटलेट पाइप लगाएंगे। इनलेट और आउटलेट पाइप बनाने के लिए हम एक पुराने पेन या मार्कर का यूज कर सकते हैं। इसे हमें इस जगह पर फिक्स करना है। इस पाइप का यूज वाटर आउटलेट के रूप में होगा और इसे हम फेविक्विक की मदद से यहां पर फिक्स कर लेंगे। अब हम इस पुरानी मोटर की शाफ्ट निकालकर वाटर पंप में लगाकर इसे वाटर पंप की शाफ्ट के रूप में यूज करेंगे। शाफ्ट को हम वाटर पंप में लगाकर फैन के साथ फेविक्विक से फिक्स कर देंगे। इसमें हम डीसी मोटर का यूज करेंगे। ये मोटर 3 से 12 वोल्ट तक रन करती है और ये काफी हाई स्पीड की मोटर है। इसको फैन की शाफ्ट के साथ जोड़ने के लिए मैंने एक पुराने पेन का यूज किया है। अब हम वाटर इनलेट के लिए इसमें जगह बनाएंगे।
यहाँ भी एक छोटा पाइप लगाएंगे। इस पाइप को ज़्यादा छोटा नहीं लेना है, अगर ये ज़्यादा पतला हुआ तो सक्शन कैपेसिटी में काफ़ी कमी आ जाएगी और ये पानी को कम खींच पाएगा। इसके बाद हमें इसके कनेक्शन कर लेने हैं। इसे चलाने के लिए मैंने 3-3 वोल्ट की 4 लैपटॉप बैटरीज को सीरीज़ में कनेक्ट करके 12 वोल्ट बनाया है। हमने इसे इस बाल्टी में सेटअप किया है। अब हम इसे टेस्ट करके देख लेते हैं। आप यकीन मानिए इसका प्रेशर काफ़ी तेज है। मेरी हाइट 6 फीट है और ये मेरी हाइट तक भी पानी को बहुत आसानी से पंप कर पा रहा है। जितना इसका प्रेशर ग्राउंड पर है उतना ही 6 फीट ऊपर भी इतना इसका प्रेशर है। ये 15 फीट तक भी पानी को आसानी से पंप कर सकता है। सामने की ओर दीवार मुझसे 10 फीट दूर है और इससे हम और भी ज़्यादा दूर तक पानी को फेंक सकते हैं। आप देख सकते हैं इसका प्रेशर कितना तेज है। पानी को पंप करने के साथ साथ ये पानी को बहुत आसानी से खींच भी सकती है और हम इसे अभी 6 वोल्ट पर चला रहे हैं और आप देख सकते हैं ये 5 फीट दूर से पानी को बड़े ही आराम से खींच पा रही है। 12 वोल्ट पर चलाने पर ये पानी को इतने प्रेशर से खींचेगा कि पाइप चिपक जाएगा और एफिशिएंसी कम हो जाएगी, इसलिए हम इसे 6 वोल्ट पर ही चलाएंगे। आप इसका यूज़ किसी छोटे कूलर वगैरह में कर सकते हैं, अपने हिसाब से किसी और चीज़ में भी कर सकते हैं। इसका एक यूज़ मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी और यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल पर अगर आप नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो यार, किसका इंतज़ार है। और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर देना। वीडियो कैसी लगी और वीडियो के लिए आपके कोई सुझाव हैं तो यूट्यूब वालों ने कमेंट सेक्शन नाम की एक चीज़ बना रखी है, आप उसका सदुपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।